तो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और न्यू गेम प्ले एपिसोड के अंदर, जहां पर हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं गाइस फार्मिंग सिमुलेटर 20 को। और जहां पर मैं अगले वाले वीडियो के अंदर हमने हार्वेस्टर को बाय किए थे, ये वाला ट्रैक्टर हमारे पास जो है, हम ये वाला ट्रैक्टर को भी चेंज करने वाला हूँ मैं थोड़ा थोड़ा हूँ, क्योंकि उससे पहले हम बहुत सारे काम करने वाले हैं, बहुत सारे चीजों को चेंजिंग करने वाले हैं। और आज के इस वाले एपिसोड में मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, बहुत दिन हमने सोयाबीन उगा लिया है गाइस, ठीक है ना, तो मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, हमारे पास नया हार्वेस्टर भी आ चुका है जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना गाइस। मैं लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ तुम लोगों को कौन सा वाला हार्वेस्टर है, बहुत ज्यादा बढ़िया है ये वाला हार्वेस्टर। वो देख पा रहे हो नया वाला ग्रीन वाला हार्वेस्टर हमारा उधर खड़ा होकर रखा है गाइस, तो मैं ट्रैक्टर को इधर लगा देता हूँ और मैं उतर के दिखाता हूँ तुम लोगों को ये वाला हार्वेस्टर भाई क्या ही लग रहा है गाइस, जैसे कि देख पा रहे हो तुम लोग, ठीक है ना। तो ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं कि गाइस मैं एक बहुत बढ़िया मेरा दिमाग में आया है क्या, इसको फर्स्ट फॉरवर्डिंग में कर देते हैं, तुम लोग इंजॉय करो एक एनसीएस वाले गाना के साथ। तब तक के लिए मैं चलता हूँ गाइस और मिलते हैं एकदम लास्ट में, ठीक है ना। The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. फाइनली गाइस, जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो हमारे हार्वेस्टर को अभी रेडी करना है, तो चलो इसके अंदर चलते हैं और इसको अनफोल्ड कर लेते हैं, जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो कनोला था वो अभी कटने का लायक बन चुका है। तो जैसे कि देख पा रहे हो और भाई मस्त काट रहा है और बहुत ज़्यादा स्पेस में काट रहा है, ठीक है ना गाइस, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा खासा लग रहा है।
और मैं ना कुछ दिख पा रहा है गाइस, गाइस एक एनिमेशन हो रहा है, देख पा रहे हो गाइस? उसके अंदर ऐसे देखो, वो जो कनोला जो कट के आ रहा है वो दिख रहा है, देख पा रहे हो? ऊपर से देखो कनोला को काट के ऊपर जो डाल रहा है वो ब्लैक कलर का, ऊपर से देख पा रहे हो जो जहाँ पर हम लोड कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहा है अभी कनोला को, जैसे कि उधर देखो गिर रहा है, ठीक है ना? जैसे ही काटना बंद हो जाएगा वो बंद हो जाएगा, देखना अभी है, ठीक है ना? जब मैं घुमाता रहता हूँ तो देखना, ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है ना? अभी जब फिर से मैं काटना स्टार्ट करूँगा कनोला को, तब फिर से स्टार्ट हो जाएगा, देखना, ठीक है? अभी मैं दिखाता हूँ तुम लोग भी, एक एनिमेशन खूबसूरत सा एनिमेशन दे के रखा है गाइस हमारा, ये देख पा रहे हो गाइस? बहुत ज़्यादा मस्त कनोला बन चुका है, तो कनोला उगाना स्टार्ट हो चुका है गाइस। और सबसे बड़ी बात ऐसा है कि मैं इसको कट लेता हूँ, ठीक है ना गाइस? और कोई बैकग्राउंड नॉइस आए तो इग्नोर दिस, ठीक है ना? सुबह में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसी के वजह से, ठीक है ना? तो इसी के मैं एक बात करने वाला हूँ तुम लोगों को गाइस, कि मैं इसको कट लेता हूँ, ठीक है ना? उसके बाद बिल्कुल लास्ट में मिलते हैं गाइस, ठीक है ना? तो यार गाइस मेरा हार्वेस्टर फुल होने वाला है, ठीक है ना गाइस? और मैं इसको ना लेके चलता हूँ, मतलब जैसे ही फुल हो जाता है मैं एक चीज तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ, मतलब एक कमाल का चीज मेरे को पता चला है, ये वाला हार्वेस्टर हो तो तभी पॉसिबल है वो, क्योंकि ये 40 के स्पीड में भागता है, ठीक है ना गाइस? नॉर्मल ट्रैक्टर जैसे चलता है ये भी ऐसे चल सकता है, ठीक है ना गाइस? तो इसको फुल करने देते हैं, और इसका जो स्टोरेज है गाइस वो 10,000 का स्टोरेज कैपेसिटी के साथ आता है, ठीक है ना? 10,000 के कनोला को स्टोर कर सकता है, 10,000 केजी का कनोला स्टोर हो सकता है इसके साथ, ठीक है ना गाइस? तो पहले तो मैं इसको कटने देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना? जैसे ही फुल हो जाता है तब भी इसको लेके चलेंगे, तो पहले हो जाने देते हैं, ठीक है ना गाइस? इसको फुल, तो फाइनली गाइस जैसे कि देख पा रहे हो हमारा जो हार्वेस्टर है वो फुल हो चुका है बिल्कुल, क्योंकि एक भी जगह नहीं बचा है हमारे जगह पे, मतलब हमारे ट्रैक्टर हार्वेस्टर के अंदर। और ये हमेशा मैं इसको लेके जाता हूँ, जब भी तब भी मैं ठूक जाता हूँ, क्योंकि इसका जो स्पीड है भाई लाजवाब स्पीड है इसका। और मैं जो चीज तुम्हें अभी दिखाने वाला हूँ तुम उसको देख के थोड़ा सा चौंक सकते हो, ठीक है ना गाइस? और जैसे कि तुम लोग गाइस इधर देख पा रहे हो मेरा हार्वेस्टर का पाइप ऑन हो चुका है, और देखो कनोला को सीधा साइलू में डाल रहा है, ठीक है ना गाइस? ये बहुत ज्यादा ही बड़ी, मतलब एक प्रोग्रामिंग सा कर लिया है कि तुम्हें ट्रॉली में नहीं डालना है भैया, तुम सीधा लेके हार्वेस्टर को, मतलब पास में अगर तुम्हारा मतलब खेत है तो तुम डायरेक्ट साइलो में डाल सकते हो। ये मेरे को बहुत अच्छा मतलब एक फीचर लगा, जिसको हम लोग गेम में कभी भी अगर हमारा ट्रॉली फुल होके रखा है तो हम सीधा हार्वेस्टर को लेके आके ही डाल सकते हैं इधर रखे, ये बहुत ज्यादा फायदे वाली चीज है। तो गाइस आज के इस वाले वीडियो को मैं इतना ही रहने देते हैं, जितना भी कनोला अभी बचा होके रखा है वो सब कनोला को मैं बाद में उगाता हूँ, ठीक है? मतलब बाद में हार्वेस्ट करता हूँ, तो ये मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कनोला। देखो 999 होके रखा है, लेकिन एक कनोला कहाँ भाग गया मेरे को नहीं पता, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ गाइस। और तुम लोग एक काम करो गाइस, तुम लोग अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना गाइस? मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ, और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, पीस आउट गाइस, बाय।